ओके, स्वागत है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डाइट प्लान वीडियो पे। ये वीडियो बहुत क्विक होने वाला है, शॉर्ट में समझाऊंगा पूरा डाइट प्लान इन जस्ट 2 मिनट्स। हल्का सा वीडियो का ब्रीफ दे दूं, ये है एक कंप्लीट 1000 कैलोरी का वेज डाइट प्लान। इस डाइट प्लान से आप कम से कम मिनिमम 5 से 10 किलो भी कर सकते हो, कम डिपेंडिंग आपका एज, आपका वेट, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। बट ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए अब तक का सबसे बेस्ट और इजिएस्ट डाइट प्लान होने वाला है। So let's get started. सबसे पहले बात करेंगे डिटॉक्स वाटर। ये होगा सुबह सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के टाइम फ्रेम में आप लोगे लगभग 200 ml वाटर। इसमें डालोगे लगभग 1 चम्मच जीरा, कुछ इस तरीके का। इसको रखोगे लगभग बॉइलिंग पॉइंट पे 5 से 7 मिनट। जब इसका कलर हल्का सा येलो में हो जाएगा, निकालोगे, किसी छन्ने से छान लोगे, उसके बाद स्क्वीज करोगे एक पूरा लेमन। ये पीने के बाद आपका डिटॉक्स कंप्लीट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और पहला मील, ये होने वाला ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट कोशिश करेंगे हम आपके बजट में रखने का। यहां पे आप ऐड करने वाले लगभग 200 कैलोरीज का एक कंप्लीट प्रोटीन सैलेड। ये होने वाला है ओवरनाइट सोक्ड स्प्राउट्स, कुछ इस तरीके का। अब इसमें आपके घर पे जो अवेलेबल हो, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो चना हो, चाहे वो रागी हो, जो भी रखे भिगो के आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। ये होने वाला है आपका फर्स्ट मील ब्रेकफास्ट। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मील की ओर, जो कि होने वाला है केवल फ्रूट्स। ये सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 12 1 बजे के टाइम फ्रेम में आप लेने वाले हैं कोई भी 2 डिफरेंट कलर के सिट्रस फ्रूट्स। अब सिट्रस क्या होते हैं? जितने भी विटामिन सी रिच फ्रूट्स लाइक कीवी, प्लम्स, वाटरमेलन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, इनमें विटामिन सी होने की वजह से आपकी जो स्किन है उसकी भी क्वालिटी एनहांस होगी और इस पूरे डाइट पैटर्न में कहीं भी आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो कोशिश करो कोई भी सीजनल सिट्रस फ्रूट्स एटलीस्ट 2 डिफरेंट कलर के आपको यूज करना है। अब आता है लंच का पार्ट, जो कि दोपहर 1 बजे से 3 बजे के टाइम फ्रेम में है। यहां पे आप केवल कंज्यूम करने वाले हो 1 ग्रेन, यहां पे होगा केवल 1 चपाती, एक बड़े से बाउल में सॉटे वेजिटेबल्स। साथ में हम ऐड करेंगे इस तरीके का एक बड़ा बाउल में सैलड। अब सैलड में जो आपका दिल करे वो आप खा सकते हो, चाहे कुकम्बर हो, अनियन हो, टमाटोज हो, जो आपके घर पे इजिली अवेलेबल हो, उसको ढेर सारा काट के बाउल में रखो और साथ में कंज्यूम कर लो। अब बोलोगे सर एक रोटी में क्या ही हो जाना है? आई नो आपका एक रोटी से दिल नहीं भरेगा, आपका और चाहिए। तो कोशिश करो सब्जी बढ़ा लो, सैलड बढ़ा लो, यहां पे बटर मिल्क ऐड कर लो, बट रोटी की जो क्वांटिटी है वो 1 से 1.5-2 तक नहीं जानी चाहिए। ये था हमारा मील नंबर 3। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है इवनिंग स्नैक। यहां पे हम क्या खाते हैं? पकौड़े, छोले, कुलचे, राजमा या समोसे। तो ये तो पाप हम करने वाले बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे हम ऐड करेंगे केवल 1 ग्रीन टी। अगर आपका ग्रीन टी का बजट नहीं है, आप सिंपल गर्म पानी करो, 1 लेमन स्क्वीज करो और उसमें कोशिश करो कि आपके पास हाजमोला हो, उसको 1 हाजमोला का ऐसे पाउडर बना के डाल दो। ये भी एक अच्छा ग्रीन टी का काम करने वाला है। साथ में 1 मुट्ठी यानी कि 1 हैंडफुल आप रोस्टेड मखाना, जो कि घर पे बनाओगे, वो आप कंज्यूम करने वाले हो। अब आता है रात का पार्ट। अगर सुबह वर्कआउट करते हो तो कोशिश करो रात में यही मील खाकर सोने वाला हो। कितना? लगभग 60 ग्राम ऑफ व्हाइट राइस और 1 छोटी कटोरी में दाल। ये दोनों ही प्रोटीन और कार्ब्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि आपको सुबह बहुत चार्ज अप रखेगा अगर आप सुबह वर्कआउट करने वाले पर्सन हो। क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना, यहां अगर ज्यादा खा लोगे तो ये डाइट पूरी तरीके से खराब हो जानी है। तो 60 ग्राम केवल राइस लोगे और इतनी छोटी सी कटोरी में आपको दाल लेना है। ध्यान रखना सैलड जरूर ऐड करना, साथ में एक बड़ा बाउल सैलड भी आपको इसमें ऐड करना कंपलसरी है। बस होती ही डाइट कंप्लीट, यही करो फॉलो लगभग 20 दिन और मैक्सिमम वेट रिड्यूस कर सकते हो। मजे की बात यह है, इस डाइट को अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहते हो तो दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, उस पर क्लिक करो और यह डाइट अपने पीडीएफ फॉर्म में अपने फोन पे डाउनलोड भी आप कर सकते हो। क्या क्या